क्या खरीदा? एक नया शानदार जादुई पियानो। क्या? तूने कहीं वो हार्ट वाला ग्रैंड पियानो तो नहीं मंगवा लिया? हाँ दीदू, बिल्कुल वही। आपने भी देखा है क्या? विकी ने वो पियानो बजाया तो नहीं? बजाया ना। जूजू को उस पियानो की धुन इतनी अच्छी लगी कि उस धुन को अपना रिंगटोन बना लिया। अब मैं समझ गई कि प्रॉब्लम क्या है। ये इस जादुई पियानो के साइड इफेक्ट्स हैं। जब भी कोई इस पियानो को बजाता है तो सुनने वाला उसका दीवाना हो जाता है। उस प्यार के पियानो के जादू का कोई तोड़ नहीं है। जूजू कॉन्फ्रेंस रूम में, और अब तक दीदू ने उस जादुई पियानो का असर बेअसर करने का कोई तोड़ ढूंढ ही लिया होगा। टच कराओ बेबी, तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है कि यस। अब विकी, क्यों ना हम आज कॉफी पीने चले? नहीं ना, मूवी के लिए चलते हैं। मूवी सो बोरिंग। विकी, क्यों ना हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले? ये सब टाइम पास छोड़ो, मैं तो कहती हूँ हम सीधे शादी ही कर लेते हैं। ए, खबरदार मेरे जूजू को हाथ लगाए तो। गर्ल्स एंड गर्ल्स। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये जानकर के आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूं, और वो लड़की है मैं। जूजू, मेरा नाम मत लेना, वरना शर्म के मारे मैं टमाटर की तरह लाल हो जाऊंगी और वो तीखी मिर्ची जल बुन जाएगी। वो लड़की जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये वो लड़की है जो मेरे हर सुबह में है, हर शाम में है। जूजू, आपकी हर सुबह और शाम में तो मैं ही होती हूँ। वो लड़की जिसका दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। जूजू, इसमें बोलने की क्या बात है, ये तो मुझे पता है। और आज शाम मैं उस लड़की से एंगेजमेंट करने वाला हूँ जो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और उस खूबसूरत लड़की का नाम है प्रिया। You know what? जिसकी उंगलियां लंबी होती है ना, वो बहुत क्रिएटिव होता है। Like you. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोक मेरे को याद आ रहा है, सुनाओ ना रेलू। एक बार ना एक हाथी और एक चींटी बाइक पे जा रहे थे। और सामने से ना एक बड़ा सा ट्रक आया और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा? हाथी सीधा ऊपर पहुंच गया, लेकिन चींटी बच गई। बोलो क्यों? क्यों वेलू? क्योंकि उसने ना हेलमेट पहना हुआ था। ओ वेलू, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है। तुम दुनिया के सबसे कमाल इंसान हो। देखिए, दिस इज नो राइट और आज होगा बिग फाइट। ये जिनू जी अपने आप को समझते क्या है, हमें अपने ऑफिस से सीधा घर भेज दिया। आपको पता है हमें यहाँ वापस पैदल आना पड़ा। नाउ मी सो टायर्ड। तो ये कि हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है आपको पता नहीं। राहुल, टाइम तुम हम दोनों का वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग इंसान के साथ कॉफी पी रही हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग? हम भी तो देखे मिस्टर इंटरेस्टिंग। हमें लगता है आपको मेंटल फीवर हो गया है, आप होश में नहीं है। He is no interesting, he far from interesting. What do you mean? हाँ? Junior, what do you mean? एक बात सुन ले तो कान खोल के, हाँ? अपने काम से काम रखा कर। मुझे गुस्सा आ गया ना तो सस्पेंड करवा दूंगा खड़े खड़े, समझा? अरे जाइए जाइए, बड़े आए हमें सस्पेंड करवाने वाले। देखिए हम भी बाल ब्रह्मचारी है, हनुमान जी के पुजारी है हम। और एक बात आपको बता दें, अब हम चुप भी नहीं रहने वाले। क्या 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 क्या? हम जाके सबको बता दें। बेटा करवा दिया ना चुप। और ये साली से खुलेगी भी नहीं वेलू। तुम जितनी खूबसूरत हो ना उतनी इंटेलिजेंट भी। थैंक यू वेलू। अरे चल ना भाई। विकी, क्या तुम सच में इससे एंगेजमेंट करने वाले हो? इसमें ऐसा क्या दिखा जो मुझ में नहीं है? विकी, मैं कह देती हूँ, अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे, वरना जिंदगी भर कवारी रह जाऊंगी। हाँ। गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, पर अब जो हो गया वो हो गया ना। विकी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वी आर मेड फॉर ईच अदर, है ना स्वीटी पाई? या बेबी। और आज शाम हमारी एंगेजमेंट पार्टी है विकी के घर में, और आप सबको जरूर आना है। प्लीज आना। हाँ, प्लीज आइएगा। एंड रिमेम्बर, नो गिफ्ट्स, ओनली ब्लेसिंग। सो सैड, सब के सब बुरा मान गए। अब मेरा स्वीटी पाई है ही इतना अच्छा, उनका क्या कसूर? Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. अरे हो क्या रहा है? What's happening, प्रिया? मैं बताती हूँ डैड, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। मैं तो चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे पियानो बजा रही थी, तब विकी वहाँ आया और इसने मुझसे कहा कि आज शाम ही से मुझसे एंगेजमेंट करनी है। और यही अनाउंसमेंट इसने अभी अभी स्टाफ के सामने भी की। That's great news. Congratulations. Vicky, my boy. Congratulations both of you. आप समझ में आए ये मेरे खुशियों के गोलगप्पे कैसे फूट गए? ये सब उस जादुई पियानो की वजह से हुआ है। ना वो कड़वी पाई वो पियानो बजाती, ना मेरे जूजू उसकी धुन सुनते, ना जूजू को उससे प्यार होता, और ना ही वो उसे एंगेजमेंट के लिए कहते। जा जीनिया और जिनलाइन से शॉपिंग कर, पियानो मंगवा। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं एंगेजमेंट को? लड़की सच में मिष्टी दोई है। ना हम तो सोच भी नहीं सकता विक्की हमारे लिए शॉपकोड लेकर आएगा। हाय विक्की, तुम कितना स्वीट है। कैसा लगा मेरा डांस? फैंटास्टिक वेनु, फैंटास्टिक। तुम्हारे आगे तो प्रभु देवा की ABCD भी फेल है। थैंक यू कोच। मी आपको लगा ये डांस कर रहे हैं? यू आर थिंकिंग ऑन दिस डांस। आप तो बस जंपिंग झपाक झंपक झंपक कर रहे थे, लेकिन कोई डांस नहीं कर रहे थे। पार्ट डांसर जूनियर, यू माइंड योर ओन बिजनेस। आई एम टेलिंग यू, बता रहा हूं मैं तुझे। आइए, आप ही का तो स्वागत है, आप ही का तो इंतजार था। नाउ यू प्लीज गिविंग फुल एंड फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑन मी कि हमारे ही कैबिन से, हमारे ही ऑफिस से हमें डिसअपीयर क्यों करवाया। तुम्हें जानना है? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो जरा वहाँ आओ ना, सबके सामने ले। सीक्रेट कम। देखो राहुल, हाँ। बात ये है, हाँ, कि देखो काकरोच। दीदू सॉरी, मुझे राहुल को यहाँ से फुटाना पड़ा। अरे जीनू इधर बैठ। तू सॉरी क्यों कह रही है? मैं तो तुझे थैंक यू कहने वाली थी। अच्छा हुआ तूने उसे फुटा दिए। दीदू अब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आराम से अपने वेलू के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि वेलू दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो जिया। मुझे लॉर्ड, मानो या ना मानो, लगता है बच गया पियानो। वेलू, वो तुमने पियानो बजाया था? हाँ बजाया था, और जिया का कहना है कि इस पूरी दुनिया में मुझसे अच्छा पियानो और कोई नहीं बजा सकता, है ना जिया? बिल्कुल जीनू, वेलू जैसा कोई नहीं। वेलू तुम उधर देखो। दीदू देखो, समझने की कोशिश करो, उस जादुई पियानो का असर आप पे हो गया है। आप दरअसल इस वेलू से नहीं बल्कि राहुल से प्यार करते हैं। एक्सक्यूज मी जीनी, ये क्या तरीका है? हाँ, तुम इस तरह से जिया का दिमाग बदल नहीं सकती हो। एंड यू आर माय फ्रेंड, शी लव्स मी, ओके? वेलू तुम प्लीज चुप रहो। दीदू देखो, ऑलरेडी इस पियानो की वजह से इतनी सारी गड़बड़ हो गई है। अब इस जादुई पियानो का असर खत्म करने के लिए हमें इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा। जीनू प्लीज मुझे परेशान मत कर, और मुझे वेलू के साथ टाइम स्पेंड करने दे। तू मेरी बात हो जीनू। वेलू चलो कहीं और चलते हैं। या श्योर, बाय जीनू। मैम ओह सो स्वीट। मैम बाय जीनू। दीदू मेरी बात। अब इसका तोड़ मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और मैं ढूंढ के रहूंगी। मुझे कसम है मेरे नादान प्यार की। ये टीचर मुझे मेरे जूजू का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। It's so good. प्रिया मैम, सॉरी मैं बिना नॉक के अंदर आ गई। कोई बात नहीं चीनू, पर तुम ठीक कहा। तुम्हें पता है आज ऑफिस में कितना हंगामा हुआ? नहीं प्रिया मैम, क्या हुआ? छोड़ो ना, क्योंकि असली हंगामा तो आज शाम को होने वाला है। क्या होने वाला है प्रिया मैम? आज मेरी और विकी की एंगेजमेंट पार्टी है, वो भी विकी के घर में। और हाँ, तुम्हें जरूर आना है। हाँ हाँ प्रिया मैम, वाओ, ये तो कितनी अच्छी बात है कि आपके और विक्की सर की आज एंगेजमेंट है। प्रिया मैम, फिर तो मुझे भी ना बहुत सारी तैयारी करनी है। आफ्टर ऑल आप दोनों की एंगेजमेंट तो अच्छी होगी ना। मैं तो बहुत खुश और एक्साइटेड हूँ प्रिया मैम। ओह हाउ स्वीट जीनू। अच्छा एक काम करो, विक्की सर से चाबी लो और जाके उनके घर में तैयारियाँ शुरू करो। ओके प्रिया मैम, क्योंकि स्पीरी पाई को तो एंगेजमेंट रिंग लेने जाना है ना स्पीरी पाई? वैसे स्पीरी पाई, मैं भी तुम्हारे साथ आती तो अच्छा होता ना। नहीं बेबी, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि आज मैं अपनी पसंद की अंगूठी खरीदने जा रहा हूँ दुनिया की उस लड़की के लिए जो दुनिया की सबसे बेहद हसीन लड़की है। स्पीरी पाई वो तुम हो। ओ, जैसा तुम कहो। ओके बेबी। अच्छा सुनो, मुझे ना रात से बहुत जरूरी काम है, तो मैं बाद में मिलती हूँ। ओके हाँ बेबी, अपना ख्याल रखना है। तुम भी। बाय स्वीटी बाय। बाय जीनू। बाय प्रिया मैम। आओ आओ बेबी। ये क्या हो गया बेबी? लगता है आज किस्मत मुझ पर बड़ी मेहरबान है। क्या हुआ प्रिया मैम, आप ठीक तो हैं? सैंडल टूट गया, दिख नहीं रहा है तुम्हें? और लगता है मुझे तुम्हें गोद में उठा कर ले जाना पड़ेगा। क्यों बेबी? यस, वो विक्की से कुछ लग गया था, निकल गया ना। हाँ। तो मैं ये कह रहा था, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले जाऊंगा। क्या हुआ जीनू, तुम ठीक हो ना? हिचकी प्रिया में। अब पानी पी लेना। हाँ प्रिया बेबी, तुम बहुत स्वीट हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। पक्का ना बेबी? पक्का। संभालो। हाँ, बात बात में तुम्हें नजर लग जाती बेबी। वो तो है स्वीटी पाई। आई सी यू लेटर। बाय बाय बेबी। जूजू, ये आप क्या कर रहे हो? है? देखो मैं जो कह रही हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो। आप पे जादुई पियानो का असर हो गया है, इसीलिए आप तीखी मिर्ची के आगे पीछे घूम रहे हो। होश में आओ इसके पहले कि और गड़बड़ हो जाए। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, समझी? इनफैक्ट ये सुनो कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ से सीधे घर जाओ तुम और शाम की तैयारी करो। तुम्हें पता है ना शाम को मेरी एंगेजमेंट है। बेबी जूजू, मैं तुम्हारे लिए रिंग खरीदने जा रहा हूँ। ओह माय गॉड जूजू। ये तीखी मिर्ची को ना मैं परफेक्ट। तीखी मिर्ची अभी बताती। ये ले और ये भी ले। अब सही लग रही है। ये तो हो गया, अब मैं उस जादुई पियानो की खबर लेती हूँ। कहाँ रह गई वो मुसीबत की जड़? बहुत हो गए तुम। हाँ, ये आज तक जो नहीं हुआ वो आज तुम्हारी वजह से होगा। तुम्हारी वजह से जूजू और मेरे बीच में दीवार खड़ी होगी। लेकिन मेरी बात भी कान खोल के सुनो। जूजू मुझसे दूर हो जाए ये हो नहीं सकता, और मेरे जूजू को कोई मुझसे छीन ले ये मैं होने नहीं दूंगी, समझे? खबरी जिनको बुलाती हूँ। चीनी, आज एक बात बता ही दो, तुम कब तक ऐसे गड़बड़ पे गड़बड़ करती रहोगी? तुम्हें कभी शर्म नहीं आती? खबरू, चुप बैठो और मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। ओहो, मतलब मेरा शक सही था। हो गया, बड़बड़ मत करो और मेरी मदद करो। मुझे बताओ कि इस जादुई पियानो के साइड इफेक्ट से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? एकदम आसान है, पियानो पे दुख भरी धुन बजाओ और इस पियानो के साइड इफेक्ट से छुटकारा पाओ। अच्छा, पर कौन सी ट्यून? वो दुख भरी ट्यून तो मुझे नहीं आती। अब क्या ये भी मैं बताऊँ तुम्हें? कुछ काम खुद भी कर लिया करो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना। हाँ? कि इस काम के लिए तुम्हें सिर्फ 3 मौके मिलेंगे, सिर्फ 3 मौके। सिर्फ 3 मौके? चिनिया, दुख भरी धुन तो तुझे बजानी पड़ेगी, वरना अगर तेरे जूजू की सगाई तीखी मिर्ची से हो गई तो जिंदगी भर तुझे दुख भरी धुन ही बजानी पड़ेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.